नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केपी ओली सरकार द्वारा नेपाल का नया नक्शा जारी करने के बाद से ही नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास पैदा हो गई है, क्योंकि नेपाल ने नए नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों पर अपना दावा जताया है, जिसके बाद से ही नेपाल और भारत के रिश्तों में कुछ तलखी आ गई है। इस बीच अब भारत से नेपाली सरकार को डर भी सता रहा है। यही वजह है कि अब नेपाल के पीएम ने भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि नए नक्शे के बाद से ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर खतरे के बादल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए पीएम ओली अब उग्र राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में मचे घमासान को लेकर भारत पर इशारों इशारों में आरोप लगाते हुए कहा है कि काठमांडू के एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है। मदन भंडारी की 69वीं जयंती पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो गया हो, लेकिन यह असंभव है। बता दें कि ओली का इशारा भारत की तरफ है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जमीन को नेपाली नक्शे में दिखाने वाले संविधान संशोधन के बाद से उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, जिसके बाद ओली ने कहा है कि मुझे पद से हटाने के लिए खुली दौड़ हो रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि नक्शे को छापने के लिए किसी प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी अब टूट की कगार पर पहुंच गई है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम ओली की आलोचना के बाद उनसे अब इस्तीफे की मांग की है। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पार्टी को तोड़ देगी। प्रचंड ने खुलासा किया है कि पीएम ओली खुद की कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।